टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला उनके लिए फ्लॉप रहा था, लेकिन दूसरे मुकाबले में जबरदस्त टच में नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा। अफगानिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने सबसे पहले सबसे तेज 1000 रन वर्ल्ड कप में बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो वहीं इस मुकाबले में 4 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा अब बन गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सिक्सर किंग। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड क्रिकेट में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई, टेस्ट और T20 फॉर्मेट, तीनों ही फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। क्रिस गेल को वो पीछे कर चुके हैं, क्रिस गेल के नाम 553 छक्के थे। इस मुकाबले से पहले रोहित शर्मा को उनको पीछे करने के लिए 4 छक्के लगाने थे। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अब तक 4 छक्के लगा दिए और अब रोहित शर्मा के नाम क्रिस गेल से ज़्यादा छक्के हो चुके हैं। अब वो वर्ल्ड क्रिकेट के सिक्सर किंग बन चुके हैं। इस लिस्ट की बात करें तो तीसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी है 476 छक्कों के साथ, तो वहीं चौथे नंबर पर ब्रेंडन मैक्यूलम 398 और मार्टिन गप्टिल 383 छक्कों के साथ पांचवें नंबर पर है। रोहित शर्मा की इस खास उपलब्धि, इस सबसे बड़े रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।